नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 20 घन मीटर से अधिक भूजल के उपयोग पर एनओसी अनिवार्य। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 56% बढ़ी। सरकार के कई विभागों में एलडीसी की बहाली का रास्ता साफ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस दिन तक करें आवेदन। आईपीएल फाइनल की शाम को ये कलाकार बनाएंगे रंगीन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में 548 पदों के लिए भर्ती। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के कुल 548 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10वीं के साथ पोस्ट संबंधित ट्रेड से ITI पास किया होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी जुटाने हेतु अधिसूचना देखे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sector.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 56% बढ़ी। इन दिनों पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि हो रही है। बता दें कि इस तरह के वाहन से इस्तेमाल से बढ़ रहे प्रदूषण पर थोड़ा नियंत्रण रखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे ज्यादा बिक्री की जाती है। बता दें कि हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सबसे तेज राज्यों में शुमार है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 56% की वृद्धि हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर हम बिहार में वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को देखें तो उस दौरान राज्य में कुल 16,650 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी की गई थी, जो इस वर्ष यानी कि 2023 में बढ़कर 26,019 हो गई है। यानी कि 2022 की तुलना में 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी में कुल 56.27% की वृद्धि आई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण वाटिका के बारे में। श्री कृष्ण वाटिका मुंगेर जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। श्री कृष्ण वाटिका मुंगेर जिले में कष्टहरणी घाट के पास ही में स्थित है। आप यहां पर आकर घूम सकते हैं। यहां पर आपको एक सुंदर बागीचा देखने के लिए मिलता है। बागीचे में आपको प्राचीन अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आपको एक ऐतिहासिक सुरंग का द्वार देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निकास तत्कालीन राजा मीर कासिम के सेनापति जॉन फ्रेडरिक उर्फ गुरुद्दीन खान के निवास स्थान पीर पहाड़ से सीधा जुड़ा हुआ था। यह भी सुना जाता है कि सुरंग के कई रहस्यमयी रास्ते हैं, जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। इस बार वाटिका में मीर कासिम के दोनों पुत्रों की कब्र देखने के लिए मिलती है, जिन्हें अंग्रेज अधिकारियों द्वारा मार दिया गया था। आप यहां पर आकर अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। 20 घन मीटर से अधिक भूजल के उपयोग पर एनओसी अनिवार्य। बिहार में अनियंत्रित भूजल पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक नया कदम उठाया गया है। बता दें कि इस नए कवायद के तहत जून महीने से उन सभी तमाम अभिसंरचनाओं को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेना होगा, जो 20 घन मीटर से अधिक रोजाना भूजल की खपत करते हैं। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा इस नोडल लघु जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। इसके साथ ही कई और विभाग भी हैं जो इसमें अपना योगदान देंगे। मालूम हो कि एनओसी के लिए बेल्ट्रॉन के द्वारा पोर्टल बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे जुड़ी आवेदन से लेकर प्राप्ति तक की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी। बता दें कि एनओसी लेने के बाद ही भूमिगत जल का इस्तेमाल वैध माना जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राज्य में यह कुछ होगा खास। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन को लेकर राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों सहित राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स और कर्मी के द्वारा शपथ लिया जाएगा कि वे तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय इस वर्ष हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं निर्धारित किया गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कर्मी और स्टूडेंट्स के द्वारा एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैश्विक व्यसक तंबाकू 2019 सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रतिदिन 440 बच्चे तंबाकू की लत का शिकार हो रहे हैं। बिहार में करोड़ों के
67 प्रस्तावों को मिली पहली मंजूरी। विकास आयोग की अध्यक्षता में आयोजित बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में 793.97 करोड़ रुपए के 67 प्रस्तावों को प्रथम स्टेज में निवेश के लिए हरी झंडी दे दी गई है। मालूम हो इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार सर्वाधिक 18 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में है। इसमें कुल निवेश 435 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा राइस मिल के 18 प्रस्तावों 104.75 करोड़ के प्रस्ताव, जनरल मैन्युफैक्चरिंग के 11 प्रस्तावों में 62.48 करोड़, टेक्सटाइल सेक्टर के 6 प्रस्तावों में 42.64 करोड़, टूरिज्म सेक्टर के 4 प्रस्तावों में 62.99 करोड़, प्लास्टिक एंड रबर सेक्टर के 4 प्रस्तावों में 41.97 करोड़ और शेष 6 प्रस्ताव में 43.78 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस दिन तक करें आवेदन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से बहादुरी, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले 25 बच्चों को हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। मालूम हो कि इस अवार्ड की घोषणा हर साल वीर बाल दिवस यानी कि 26 दिसंबर को की जाती है। ऐसे में इस अवार्ड के लिए वर्ष 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर आपने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आप 31 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट awards.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। मालूम हो कि इस अवार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास कुछ योग्यता होना अनिवार्य है, जिसमें अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और साथ ही उसे 18 वर्ष से अधिक भी होना चाहिए। सरकार के कई विभागों में LDC की बहाली का रास्ता साफ। बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। फिलहाल सभी विभागों और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों से रिक्त पड़े पदों की सूची कोटिवार रूप से मांगी गई है। बता दें इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव के द्वारा इस बाबत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव समेत सभी विभाग अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है और साथ ही एक निर्धारित फॉर्मेट भी दिया गया है, जिसमें दिए गए कॉलम में कोटिवार रिक्तियों की संख्या भरकर सभी को देनी है। सभी को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्न वर्गीय लिपिकों के रिक्त पदों की अधियाचना रोस्टर क्लियर कराने के बाद ही निर्धारित फॉर्मेट में भेजना है। मालूम हो कि सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची आने के बाद ही इस आधार पर ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने किसी और वेबसाइट को लेकर किया स्पष्ट। बीते दिन शुक्रवार को BBOSE यानी कि बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किसी और वेबसाइट को लेकर अपनी बातों को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर यह स्पष्ट किया है कि इस वेबसाइट के अलावा बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड BBOSE पटना की अन्य कोई वेबसाइट मान्य नहीं है। ऐसी दशा में किसी अन्य वेबसाइट पर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड BBOSE पटना को कोई भी जानकारी अथवा परीक्षा परिणाम स्वीकार अथवा मान्य नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बिहार सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त बोर्ड है। इसके साथ ही यह बोर्ड CBOSE का भी सदस्य है और इसकी मान्यता हर जगह है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अंबिका देवी के बारे में। अंबिका देवी एक भारतीय कलाकार है जो मधुबनी कला परंपरा में काम करती है। देवी अपना कला में पारंपरिक रूपांकनों और पैटर्न का उपयोग करती है। हिंदू धार्मिक कल्पना के साथ साथ प्रकृति से विषयों को चित्रित करती है। देवी कागज और पेन दोनों तैयार करती है जिनका वे स्वयं उपयोग करती है। अपनी स्वयं की कला के अलावा देवी छात्रों को मधुबनी तकनीक और कला सिखाती है। भारत सरकार के लिए कार्यशालाएं चलाती है। उनका काम दस्तकार फैशन शो में प्रतिनिधित्व करने वाले 15 कलाकारों में से एक था, जो मैरी क्लेयर पत्रिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था। उनका काम 2014 में नानचौंग इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी क्राफ्ट बिएनल में भी प्रदर्शित किया गया था। 2009 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में भारतीय शिल्प परिषद ने उन्हें शिल्प कौशल में उत्कृष्टता के लिए कमला पुरस्कार से सम्मानित किया। 2021 में उन्हें तेलंगाना के शिल्प परिषद द्वारा हस्तशिल्प में उत्कृष्टता के लिए सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। L&T में रोजगार का शानदार अवसर। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया में श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय के द्वारा अनुमंडल स्तरीय 4 दिनों के लिए 4 अलग-अलग स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें L&T कंस्ट्रक्शन और ऑटोमेटिक गांधीनगर गुजरात कंपनियों के द्वारा ट्रेनी और मशीन ऑपरेटर सहित कुल 1150 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 8वीं, 10वीं, 12वीं पास के साथ ITI पास होना अनिवार्य है। बता दें कि
यह 4 दिवसीय रोजगार मेला पूर्णिया के सदर में 30 मई 2023 को DRCC ऑफिस पॉलिटेक्निक चौक में होगा। वहीं 31 मई को पूर्णिया के बायसी के हाई स्कूल में, 1 जून 2023 को पूर्णिया के धमदाहा में हाई स्कूल के प्रांगण में और 2 जून को पूर्णिया के गवर्नमेंट ITI बनमनखी कॉलेज में आयोजन किया जाएगा। शराब पीकर टिकट काटने वाला बुकिंग क्लर्क गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्लर्क नशे में धुत नजर आ रहा है। मालूम हो कि यह वीडियो न्यू बरौनी जंक्शन पर टिकट बुकिंग ऑफिस का है। बताया जा रहा है कि बीते दिन सुबह कोसी एक्सप्रेस की टाइमिंग के दौरान इस शख्स के द्वारा टिकट काटा जा रहा था, जिसका वीडियो बनाकर यात्रियों के द्वारा इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। हालांकि अब इस क्लर्क की गिरफ्तारी कर ली गई है। बता दें कि इसकी गिरफ्तारी GRP बरौनी से की गई है और फिर सदर अस्पताल में उसका जांच कराया गया, जहां शराब पीने की पुष्टि हुई। मालूम हो कि गिरफ्तार किए गए टिकट बुकिंग क्लर्क की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के दीपू कुमार के रूप में की गई है। पर्यटकों के लिए बिहार के पहले इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण इस दिन तक होगा पूरा। देश विदेश से बिहार में आने वाले पर्यटकों को सारी सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सके, इसके लिए बिहार के रत्नागिरी पहाड़ी की तलहटी में राजगीर के चर्चित आकाशीय रज्जू मार्ग के पास बिहार का पहला इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। अब की जानकारी के लिए बता दें कि यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें पहले तल्ले पर पर्यटकों के खाने पीने के लिए कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरे तल्ले पर पर्यटकों को शॉपिंग की भी व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा इस भवन में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, पार्किंग व रैंप समेत कई तरह की सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि इस भवन के निर्माण को लेकर पर्यटन विभाग के द्वारा 16.83 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब बक्सर से चंद घंटों में पहुंचे यूपी। अब बक्सर से यूपी जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। दरअसल बक्सर में गंगा नदी पर वीर कुंवर सिंह सेतु के पैरेलल 89 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसे इंजीनियर्स की जांच के बाद वाहनों के आवागमन के लिए शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि इस पुल के निर्माण होने से बिहार वासियों को यूपी जाने में और साथ ही बिहार से दिल्ली और अयोध्या जाना भी काफी आसान हो गया है, और साथ ही दोनों राज्यों के बीच व्यापार में भी अब काफी आसानी होगी। इस पुल के जरिए बिहार के NH 922 को यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे कि अब इस रास्ते से जाने पर दूरी ट्रेन से भी कम वक्त में पूरी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जो कि 5 साल बाद वर्ष 2023 में बनकर तैयार हो गया है। प्रदेश के उत्तर, मध्य, उत्तर पूर्व जिलों में बारिश के आसार। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश के कई जिलों में बारिश जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं कई जिलों में तेज धूप भी देखने को मिलता है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी जरूर किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इलाकों के जिलों में 1 या 2 स्थानों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 2 दिनों के बाद प्रदेश में तेज गर्मी जैसे आसार रहने की संभावना है। इन दिनों प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश और गर्मी जैसे हालात रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने को कहा है। JEE एडवांस का इस दिन जारी होगा प्रवेश पत्र। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने IIT में नामांकन लेने के लिए JEE एडवांस का आवेदन किया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दी कि JEE एडवांस की परीक्षा का प्रवेश पत्र 29 मई को जारी कर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी JEE.ADV.AC.IN पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि इसकी परीक्षा 4 जून को होने वाली है, जिसके लिए देश भर से कुल 2,51,000 छात्रों के द्वारा आवेदन किया गया था, और इतने छात्रों द्वारा ही परीक्षा में भी शामिल हुआ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी IIT गुवाहाटी को दी गई है। JEE एडवांस के द्वारा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि पेपर 1 का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा, वहीं पेपर 2 की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। UPSC 2022 में बिहारी छात्रों के सफल होने को लेकर सुधाकर सिंह का सवाल। बीते दिन बिहार के पूर्व कृषि मंत्री के द्वारा अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए CM नीतीश से सवाल पूछते हुए लिखा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए बिहारी छात्रों के सफल होने में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का कितना योगदान है। हर साल की भांति इस साल भी बिहार के छात्र छात्राओं का संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में विपरीत परिस्थितियों में अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। परंतु क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बिहार के छात्र छात्राओं की सफलता बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मापने का पैमाना हो सकता है? बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 3 साल का स्नातक 4 से 5 साल में और 2 साल का स्नातोत्तर 3 से 4 साल में पूरा किया जाता है। परिणाम स्वरूप बिहार के छात्र छात्रा उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के श्रम बल में तब्दील हो रही है। अगर इसको संक्षेप में बोला जाए तो बिहार श्रमवीर पैदा कर रहा है।
ब्यूरोक्रेसी को लेकर सुशील मोदी का बयान। बीते दिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा अंग्रेजी बिजनेस अखबार प्रिंट द्वारा आयोजित इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट को संबोधित करते हुए दावा करते हुए कहा गया है कि ग्राउंड लेवल पर पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जहां योजनाओं और नीतियों के अमल में आम लोगों से सबक पड़ता है, वहीं समूची अफसरशाही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कुछ अफसर हैं जो फाइल पर महीनों बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी फैसले नहीं लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी में ऐसे बहुत अफसर हैं जो फाइल पर ऐसा कुछ लिख देंगे कि होने वाला अच्छा काम भी काम रुक जाएगा। सरकार की नीतियों और योजनाओं के प्रभाव डालने की क्षमता असल में योग्य और निष्पक्ष अफसरशाहों पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि 100 में से 99 बार आइडिया राजनेता ही देता है, लेकिन बिना ब्यूरोक्रेसी के कोई सरकार काम नहीं कर सकती। बिना बाल सेवकों के किसी नीति या योजना पर अमल नहीं हो सकता। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चिराग पासवान के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने को लेकर पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी है और साथ ही उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत अत्यंत दुखद सार्वजनिक तथ्य है कि विपक्ष संसद से भागता है। कारण है कि विपक्ष उन पुरानी और स्वार्थी लोक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें जनता ने बार बार खारिज कर दिया है। विपक्षी एकता का प्रयास राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टि नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए साझा अभ्यास है और भ्रष्टाचार के प्रति स्पष्ट रुझान और झुकाव है। ऐसी पार्टियां कभी भी भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी लिखा है कि महोदय, आपके साथ रहते हुए या आपसे अलग होकर भी मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जनहित में आपके द्वारा लिए गए हर फैसले का मजबूती से साथ दिया है। आईपीएल फाइनल की शाम को ये कलाकार बनाएंगे रंगीन। आईपीएल 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल यानी कि 28 मई को आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, लेकिन इसके साथ ही आईपीएल फाइनल की शाम को कई कलाकारों के द्वारा रंगीन बनाया जाएगा और चार चांद लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी के अनुसार आईपीएल फाइनल की शाम को रैपर डिवाइन और मशहूर सिंगर जोनिता गांधी अपनी आवाज से जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही रैपर किंग और डीजे न्यूक्लिया भी अपने परफॉर्मेंस रंगीन बनाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल फाइनल का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2023 चैंपियनशिप ट्रॉफी किस टीम के सर पर सस्ती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत ने 2010 में उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ तथा प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से हुई मुलाकात के बाद चीन ने 2010 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रति समर्थन जताया। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने 2010 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन पटना रेलवे जंक्शन के पास 22 एकड़ जमीन पर 125 करोड़ रुपए की लागत से बने 200 फीट ऊंचे स्तूप वाले एक भव्य बुद्ध स्मृति पार्क को जनता को समर्पित किया। भारत के उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता नितिन गडकरी का जन्म 1957 में हुआ। प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी और कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म 1962 में हुआ। हिंदी के कवि पत्रकार एवं पत्रकारिता के प्राध्यापक हेमंत जोशी का जन्म 1954 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महासेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में हुआ। वायुखर में आज हम बात करेंगे फ्री सोलर स्टोव के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री सोलर स्टोव के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया गया है कि फ्री कुकिंग स्टोव योजना के तहत सभी महिलाओं को सरकार फ्री में सोलर स्टोव देगी जिसका 10 साल की गारंटी होगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। व्हाट्सएप पर जल्द मिलेगा इंस्टाग्राम जैसा ये फीचर। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक कंपनी एक नए यूजर नेम फीचर पर काम कर रही है जो लोगों को सेटिंग के अंदर प्रोफाइल सेक्शन में मिलेगा। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स को अपना एक यूजर नेम चुनना होगा। ये ठीक इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरह होगा। हर व्यक्ति को एक यूनिक यूजर नेम मिलेगा और इसकी मदद से भी लोग उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिलहाल इस फीचर के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। यूजर नेम के द्वारा शुरू की गई चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगी। ऐसा भी हो सकता है कि फीचर के आने के बाद आपको हर किसी को अपना नंबर देने की जरूरत ना हो। आप यूजर नेम से भी कॉन्टैक्ट्स को ऐड या अपने आप को दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं।
निफ्टी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर हुआ बंद। बीते दिन भारतीय इक्विटी बाजार लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ है। बता दें कारोबार के अंत में सेंसेक्स 629.07 अंक या 1.02% बढ़कर 62,501.69 पर और निफ्टी 178.10 अंक या 0.97% बढ़कर 18,499.30 पर बंद हुआ। बीते दिन कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, डिविस लैब्स, HUL और हिंडालको इंडस्ट्रीज निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं ONGC, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल और पावर ग्रिड कॉर्प निफ्टी के टॉप लूजर रहे। वहीं अगर 25 मई की बात करें तो उस दिन कारोबारी सत्र में 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 98.84 अंक यानी 0.16% की बढ़त के साथ 61,800। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन जारी होगा यह खास सिक्का। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे सियासी गहमागहमी के बीच अब केंद्र सरकार एक नए घोषणा की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए शुभ अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा 75 रुपए के सिक्के जारी किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार यह सिक्का गोलाकार आकार में होगा। यदि सिक्के की संरचना और इसमें मौजूद धातु की बात करें तो इसकी संरचना चतुर्धातुक मिश्र धातु की होगी, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता मौजूद होंगे। सिक्के के मुख पर देखें तो अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। वहीं बाई परिधि पर देवनागरी लिपि में भारत शब्द और दाहिनी परिधि पर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इसका वजन 35 ग्राम रहेगा, जिसे 3800 रुपए प्रति सिक्का की दर से बेचा जाएगा। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, सदुल्लाह पलवी, नुनू गोलू कुमार, अनुज कुमार चौहान, पंकज कुमार दास, प्रियांश कुमार, कौशलेंद्र कुमार, अतीक खान, मुटू रंगीला, पवन सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, शैलेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, विद्यासागर, सत्य प्रकाश, प्रियदर्शी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप 10 में से कितना नंबर देंगे। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।